क्या कारक हैं जो स्तनपाई जीवों के मस्तिष्क के आकार और बुद्धिमत्ता पर असर डालते हैं? यही पता लगाने में जुटी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख की क्रमिक विकास जीव विज्ञानी जांड्रा हेल्डस्टाब। वो कई प्रजातियों की खोपड़ियों पर काम कर रही हैं। मस्तिष्क का आयतन जांचने के लिए वो शीशे के छर्रों का दशकों पुराना जांचा परखा तरीका इस्तेमाल करती हैं। ये मैकाक की खोपड़ी है, इसमें आप 100 मिलीलीटर तक भर सकते हैं। ये ग्राउंड हॉग से कहीं ज्यादा है, जिसमें सिर्फ 15 मिलीलीटर की जगह है, तो मस्तिष्क 8 गुना छोटा है। मुझे ये डेटाबेस में दर्ज करना होता है। शोधकर्ताओं ने ऐसे 1200 मस्तिष्कों का डेटाबेस तैयार किया है, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के स्तनपाई शामिल हैं। जांड्रा और उनके एक सहकर्मी ने इनमें से ज्यादातर का माप लिया है। कई महीनों तक वे अमेरिका के कई म्यूजियम में गए और शीशे की तकनीक से माप लेते रहे। मैं सबसे ज्यादा रोमांचित हुई जब हमने वेल की खोपड़ी मापी। वो एक स्पर्म वेल थी। हमने वाकई छर्रे 10 लीटर की एक बाल्टी में डाले, लेकिन इसका आधा सिर ही भर पाया। हमारे पास पूरा सिर भरने जितने छर्रे नहीं थे। वो मंत्रमुग्ध करने वाला था। स्पर्म वेल का अस्थि पिंजर वाकई बहुत बड़ा था। खोपड़ी हमसे बड़ी थी और हमने उसे अपने नन्हे छर्रों से भरा। हेल्डस्टाब जानना चाहती हैं कि क्रमिक विकास के लिहाज से किन परिस्थितियों में मस्तिष्क बढ़ सकता है। ये साफ है कि मस्तिष्क को बहुत ऊर्जा की जरूरत होती है। इसे बड़ा करने के लिए लगातार ऊर्जा मिलती रहनी चाहिए। जांड्रा हेल्डस्टाब इस विषय पर उपलब्ध किताबें भी टटोल रही हैं, ताकि प्रजातियों के मस्तिष्क के आकार को प्रभावित करने वाले फैक्टरों और उनके आपसी संबंधों का पता लगाया जा सके। जैसे वो क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, इसके अलावा झुंड में उनका बर्ताव और जवान होते हुए वो कैसे बढ़े, जैसे अन्य कारक भी। जैसे कि शीत निद्रा में रहने वाले जानवरों का मस्तिष्क छोटा होता है और मांसाहारियों का मस्तिष्क शाकाहारियों से बड़ा होता है। कई शोध बता चुके हैं कि मस्तिष्क के आकार का सीधा रिश्ता जानवर की बुद्धिमत्ता के साथ होता है। जैसे कि इस शोध में, जहां 39 मांसाहारी जानवरों की तुलना की गई है, यहां स्पष्ट होता है कि वजन के अनुपात में मस्तिष्क का आकार सीधा जानवरों के कौशल स्तर से मेल खाता है। किस तरह का भोजन उन्हें मिल रहा है और जवान होते वक्त कितना निरंतर मिल पाता है, ये मस्तिष्क की वृद्धि के लिए पिछले अनुमानों के मुकाबले ज्यादा अहम साबित हुआ। जो हमने नया पता लगाया है वो ये कि भोजन की निरंतरता बनी रहनी चाहिए। जैसे कि जब सहोदर खाने को बिल में लाते हैं, लेकिन किसी को भी इंतजार करता नहीं पाते हैं, तो खुद ही खाने लगते हैं। माता पिता के लिए ये अलग है। अगर वातावरण बहुत ही खराब है, तो पिता छोटे बच्चों के लिए ज्यादा खाना लाएगा, हालांकि वो खुद भूखा रह जा रहा है। तो सुरक्षित, ज्यादा कैलोरी वाला भोजन, धीमा विकास और सामाजिक सीख ही बड़े मस्तिष्क वाले बुद्धिमान जानवर बनाती है।